नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो है स्फीयर। क्या होगा? स्फीयर के बारे में, ठीक है। स्फीयर देखिए, स्फीयर एक जो है क्या है, सिंपल सा है। देखिए स्फीयर एक फुटबॉल है, फूला हुआ बलून जो है, फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, ये इसका एक फॉर्मल जो है एग्जांपल है। देखिए और स्फीयर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सर्किल के बारे में पढ़ा था। सर्किल, सर्किल एक जो है क्या होता है, सर्किल जो है एक सर्किल में क्या है, और सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ गिवन पॉइंट, गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। जो है फिक्स पॉइंट क्या है आपका, देखिए ये सारे पॉइंट एक प्लेन पे, इस पॉइंट को मिलाने मिलाने पर क्या होगा, आपका एक सर्किल बनेगा, ठीक है। ये सर्किल बनेगा, अब इन्हीं सर्किल का एक जो है फिक्स पॉइंट होगा, और इस फिक्स पॉइंट से क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी उसको आप रेडियस बोलोगे, ठीक है। तो इसमें ये यहां से यहां तक ये ओ, ये आपका क्या है, ओ ये आपका क्या है, यहां पर रेडियस है, तो रेडियस आ गई आपकी, रेडियस होगी ओ ए, और सेंटर हो गया आपका, ये सेंटर हो गया आपका पॉइंट ओ, ओ सेंटर हो गया, और ओ ए आपकी इसकी रेडियस होगी। द लाइन विच क्रॉस, जो सेंटर से जाती है, जो सेंटर से जो लाइन क्रॉस करती है उसको डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्किल गिवन होता है, सर्किल से ही क्या होता है, सर्किल, और सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में सारे जो पॉइंट होते हैं, ठीक है। पॉइंट जो है जो गिवन, जो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट नंबर क्या है, सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, सारे डिस्टेंस देखिए वो इक्वल होंगे सारे, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है सर्किल है, अब इस सर्किल को क्या करना है आपको, एक तरफ आप जो है एक रस्सी टाइप जो है उसे सर्किल बनाए, ठीक है। अब इसको आप फिक्स कर लीजिए, फिक्स करते हैं आप, तो इसको क्या करते हैं, फिक्स करने पर आप क्या करते हैं, फिक्स किया इसके पॉइंट रस्सी, और इसको क्या करते हैं आप, इसके जो है चारों ओर क्या करते हैं, घुमाना है आपको, ठीक है। तो जब घुमाएंगे, जैसे कोई भी जो है कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है उसको आप घुमाएंगे, तो इस तरह का ये ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो एक जो है क्या करेंगे, जो है आप एक सर्किल लेते हैं और सर्किल का एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो फिक्स करने पर क्या करते हैं आप, इसको इस तरह से जो है सेंटर जो है दोनों क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको जो है क्या करते हैं, राउंड ऑफ में घुमाते हैं। तो घूम जो है क्या होगा, ये घुमाने पर आपका ये जो है एक इस तरह का शेप बनेगा, ये राउंड ऑफ में, इसके राउंड ऑफ में शेप बनेगा, ये राउंड ऑफ में शेप बनेगा, ठीक है। इसको यो आपको ओपन, इसको क्या करना है, ये जो है दोनों साइड क्या करना है, इसको आप राउंड ऑफ में घुमाएं तो इस तरह का एक शेप बनेगा, जिस शेप को हम बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। और स्फीयर क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा, जो रेडियस ये सेंटर होगा, ठीक है। स्फीयर है ये, स्फीयर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स स्पेस विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से उसकी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगी, क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है। फिक्स पॉइंट से क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये जो है आप क्या करेंगे, इस पे एक स्पेस जो है, ये स्फीयर बन गया आपका, ये क्या चीज है, स्फीयर है। अब स्फीयर में क्या करते हैं हम, एक जो है इस पे, अब एक जो है आप क्या करेंगे, इसका स्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तुम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी में क्या करेंगे हम, ये जो है जो बॉल है, इस बॉल के क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक रस्सी ले जाए, इसको जो है क्या करते हैं, धागा ले करके इसको लपेटना है। तो इस तरह लपेटने से क्या होता है, ये लपेटने से इसका जो है, जैसे लपेटा, ये लपेटने से ये पूरा लपेटना है, ताकि ये पूरा कवर हो जाए, पूरा क्या करना है, लपेटना है, पूरा ये क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है।
कवर हो जाए पूरा लपेट करके जो है पूरा कवर्ड हो जाए, ठीक है पूरा कवर्ड हो जाए, ठीक है पूरा कवर होना चाहिए और कवर इस तरह से कवर हो जाए, पूरा कवर हो जाए इस तरह से पूरा कवर करना है इसको नीचे तक सारा कवर। आप देखो ये अंदर तो होगा नहीं कवर, भारी भार पूरा क्या होगा कवर होगा। अब जब कवर हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, फिर इस सारी रस्सी को आप क्या करेंगे, इस रस्सी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने पर क्या होगा, ओपन करने पर जो रस्सी होगी टोटल जो रॉप होगी उससे जो है चार तरह के हिस्से बनेंगे, टोटल उसके चार तरह के जो है टोटल जो रस्सी है चार तरह के क्या बनेंगे इसका जो है इसी से चार हो बन जाएंगे, जिसका टोटल जो रेडियस होगा, जो रेडियस होगा इसका ये स्टार जो है स्टार जो उसके रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है ये जो है उसके रेडियस के इक्वल होगा, ये रेडियस के टोटल इक्वल होगा, मतलब टोटल ये चार सर्किल बनते हैं, जितनी टोटल ये रॉप थी इस रॉप को ओपन करने पर इस रेडियस के क्या बनेंगे, इस रेडियस के चार जो है क्या बनेंगे जो है एक सर्किल बनेंगे, क्या बनेंगे चार सर्किल बनेंगे। तो ये चार सर्किल बनने के बाद क्या होगा, एक सर्किल का हम एरिया जानते हैं, वन सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर कितने फॉर्मूले हैं देखिए, जैसे हम स्पेयर लिया या रस्सी जो है करी जो रॉप की उसको ओपन करा तो इस तरह के सेम रेडियस के क्या होते हैं चार जो है फोर जो है क्या बनते हैं इसमें सर्किल बनते हैं, ठीक है। अब तो हम अगर एरिया सर्कल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी सर्किल, कितने आ रहे हैं ये फोर आ रहे हैं फोर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन सर्किल, एरिया ऑफ वन सर्किल एक सर्किल का एरिया निकलता है, तो एक सर्किल का एरिया क्या है यहां पर पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल स्पीयर का जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है फोर पाई आर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास क्या है सर्किल है, सर्किल क्या बताया था आपको, सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है और प्लेन में क्या करते हैं दैट आर एट द गिवन कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है सेंटर है, सेंटर से जितने भी पॉइंट होंगे ये जितने भी पॉइंट है इन पॉइंट से क्या करते हैं आप ज्वाइन करने पर एक जो है क्या बोलती है आपको फिगर मिलता है जिसको हम फिगर जो है सेंटर बोलते हैं, इसके सारे जो है सेंटर से सारे जो है साइड के जितने पॉइंट होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका जो है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम इसी जो है सर्किल को, अब देखिए इस सर्किल को जैसे आप एक सेंटर पॉइंट में एक रस्सी ली तो क्या करते हैं उसको दोनों तरफ क्या करते हैं दोनों तरफ राउंड में क्या करते हैं आपको घुमाना है, राउंड में घुमाने पर ये इस तरह का शेप बनता है, इस तरह की एक आकृति बनती है, इस तरह का एक फिगर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पीयर बोलते हैं। स्पीयर जो है देखो एक फुटबॉल भी एक स्पीयर की तरह है। अब इसमें क्या करते हैं हम इसमें एक बताया था मैंने एक रॉप ले रॉप लेते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं इसको घुमाते हैं, और कैसे घुमाना है इस तरह जो है आपको घुमाना है कि ये जो है सारा कवर्ड हो जाए, और कवर्ड होने के बाद फिर क्या करते हैं हम उस रस्सी को निकाल देते हैं, उस रस्सी को साइड निकालने पर क्या होते हैं जो उसका जो है टोटल जो है रॉप होगी वो क्या करते हैं जब इस तरह से आप घुमाते हैं इसको तो इस तरह से सेम रेडियस के क्या बनते हैं चार सर्किल बनते हैं सेम रेडियस के, ठीक है ना। इसका ये जो रस्सी आपने करी थी इस रस्सी क्या क्या करते हैं चार जो है सेम रेडियस के चार बन जो है सर्किल बनते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ये एक्टिविटी करी हमने, तो इस एक्टिविटी से फाइनल फॉर्मूला निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन सर्किल इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई वन सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो है स्फीयर इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर। और है हेमिस्फीयर, ठीक है हेमिस्फीयर, देखिए हेमिस्फीयर, देखो हेमिस्फीयर एक प्लेन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर देखिए स्फीयर जो हमारा बना था उसका अभी बनाया था हमने उसका हाफ हाफ पार्ट बताया था हाफ पार्ट, तो हाफ पार्ट ये वाला
हाफ पार्ट आपको क्या करना है, इसका हाफ पार्ट कट करेंगे, ठीक है ना। स्पेयर डिवाइड द स्पेयर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड करना है, दो इक्वल पार्ट्स क्या करना है, टू इक्वल पार्ट्स में आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में ये कट हो जाएगा, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा। टू इक्वल पार्ट में कट हो गए ये, और इस टू इक्वल पार्ट में ही ये टू इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो इसका जो है सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि ये जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है रस्सी क्या करेंगे ऊपर से ही घुमा दें, इसका आधा हिस्सा, ठीक है ना, आधा पार्ट इसका। तो आधा पार्ट में क्या करेंगे हम, इसका जो है क्या करेंगे, रोप को आधे हिस्से में, अंदर तो हम क्या नहीं कर सकते, अंदर तो घुमा नहीं सकते, तो बाहर से हमने क्या करना है, आधा एरिया को इसको कवर करना है। तो इसका आधा एरिया कवर हो गया, ये वाला कवर नहीं, अंदर का है, अंदर वाला एरिया कवर नहीं होगा, तो हम आधा जो है हाफ करेंगे। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, मतलब बाहर वाला हिस्सा, ठीक है ना, बाहर वाला, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हाफ होता है, स्फीयर का हाफ होता है, हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है ना, उसका हाफ करना है, स्फीयर डिवाइड बाय टू, ठीक है। तो उसका क्या था, फोर पाई आर स्क्वायर अभी हमने करा था, और डिवाइड बाय टू, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड मैंने होता है जो है ये गोलाई में, इसलिए कर्व्ड, लैटरल नहीं बोलते इसको, ठीक है, गोलाई में इसलिए कर्व्ड है, गोल है ये देखो कर्व्ड है ये, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये टू पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए अब आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक जो है एक हेमिस्फीयर है, चाहे आप ऐसे बना लीजिए, हेमिस्फीयर है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें ये तो कर्व्ड, ये वाला जो बाहर वाला है ये कर्व्ड वाला हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, जैसे ये कवर हो गया, ये तो कर्व्ड वाला हो गया, तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। और प्लस अगर ये आपका क्लोज है, ये बंद है, ये आपका क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, तो ये क्या बन रहा है आपका, सर्किल बन रहा है। देखिए ये सर्किल है, ये पॉइंट एरिया आपका सर्किल है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड करना होगा हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर में आप क्या करोगे, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्लोज है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ये निकालने के लिए करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्किल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया इस वाले पार्ट का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला भार वाला, ठीक है, ये भार का पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस है प्लस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। देखिए ये सर्किल है, ये वाला पार्ट सर्किल है, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, इस तरह का सर्किल है, दिख रहा है ये वाला पार्ट आपका सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। तो आप क्या क्या करेंगे, जो है कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो होगा थ्री पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया थ्री पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, थ्री पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3πr² ठीक है। क्या क्या हमने, सबसे पहले एक हेमिस्फीयर जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसका ये बाहर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, सी एस ए है बाहर वाला, और प्लस इसका एरिया जो सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, तो सर्किल है ये, सर्किल का आपको क्या करना है, एरिया करना है, ये सर्किल का एरिया ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्किल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² और एरिया ऑफ सर्किल πr² दोनों ऐड करते हैं तो ये हो गया 3πr². तो इस तरह से हमने तीनों जो है, तीन फॉर्मूला हमारे पास हेमिस जो है ये हेमिस्फीयर का है ठीक है। पहला फॉर्मूला निकला आपका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहला आपका स्फीयर वाला फॉर्मूला है इज इक्वल टू क्या हो गया 4πr². दूसरा है इसका हाफ, स्फीयर का हाफ क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है, तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तीन फॉर्मूले बन जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर वो होता है 2πr², और तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr² ठीक है। पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या है 4πr², दूसरा सी एस ए हेमिस्फीयर 2πr² और तीसरा है टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 3πr². पहला जो है 4πr² टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4πr², दूसरा सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, स्फीयर का आधा होता है, स्फीयर का हाफ होता है, स्फीयर का बिल्कुल हाफ ठीक है। सी एस ए हेमिस्फीयर 2πr² टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr² ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, देखिए अब नया क्वेश्चन है हमारे, एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 13.4। एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 ठीक है, आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, यहां पर गिवन है ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका तीन पार्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस का जो स्फीयर है ठीक है, और जो है क्या रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा आर गिवन है, यहां पर आर इज इक्वल टू क्या है 10.5, क्या चीज है 10.5 सेंटीमीटर ठीक है। यहां पर लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखिए यहां पर स्फीयर ये गिवन है इस तरह का ठीक है, एक फुटबॉल टाइप का स्फीयर जो है, देखिए साइड शेप का, तो इसका क्या है ये रेडियस जो है सर क्या गिवन है 10.5 है, इसका टोटल इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 4πr² ठीक है। व्हाट इज 4 तो हो गया 4 ये पाई की वैल्यू 22/7 और आर 10.5 है, दो बार 10.5 टू टाइम लिख लेंगे आप 10.5 ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर ठीक है, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल कर दिया 7×7 ठीक है, ये 3 भी जो है यहां पर तो क्या होगा 7×5 = 35 ठीक है। अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 4×22×1.5×10.5 ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होता है ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करके कितना आंसर हुआ, इन सब का मल्टीप्लाई करके आपका हुआ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बच्चों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो आर गिवन है 10.5, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था 4πr², आर गिवन है 10.5 है, दो बार लिखे हैं टू टाइम, इसे कैंसिल हुआ 1.5, इन सबको मल्टीप्लाई करके आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू क्या है 5.6 है, आर गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना आपको, जो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई इज इक्वल टू 22 ओवर 7। आर इज इक्वल टू 5.2। मत जो है दो बार टू टाइम देखना है आपको, 5.2 5.2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 0.8। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो गया। 88 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 5.6 सेंटीमीटर टू टाइम, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो सब मल्टीप्लाई करके आपका क्या आता है, 394.24। कितना आया? 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, यस वेरी गुड। ठीक है, तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या आर गिवन है? 5.6। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 यूज करनी है। आर इज इक्वल 5.6 है, 5.6 है, 7 से ये कैंसिल हुआ तो 0.8 हुआ। तो ये जो है 22 4 88, इन सबको मल्टीप्लाई करके 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3। ठीक है, उसमें आर इज इक्वल टू क्या है? 14। आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर वही फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4 पाई इज इक्वल टू 22 ओवर 7। आर इज इक्वल टू क्या, ये 7 है, 22 ओवर 7। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या है? 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 कैंसिल टू टाइम हो गया, ये तो 88 हो गया, और ये 2 से 14 को मल्टीप्लाई किया 28 हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 जा 88 14 टू जा 28 है, 22 4 जा 88, और ये 14 टू जा 28 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ यू हैव टू मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करके आपका कितना है, मल्टीप्लाई करके 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या आर गिवन था? 14 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 ओवर 7, आर 14 14 लिखा, 7 टू जा 14, ये दोनों मल्टीप्लाई ये हुआ, और 22 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 88 हुआ, दोनों मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हुआ 2 4 6 4 सेंटीमीटर। हाँ, यही आंसर है।